गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल एग्ज़ाम वाणी में। आज हम DSSB एग्ज़ाम पैटर्न और बुक्स पर डिस्कस करेंगे कि DSSB PGT का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और उसके लिए क्या क्या बुक्स आपके लिए सही रहेंगी कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो जो ये DSSB के नोटिफिकेशन थे 2020 में PGT की पोस्ट के लिए आए थे, PGT की बहुत सारी पोस्ट निकली थी, जैसे हर एक सब्जेक्ट में निकली थी PGT की, सोशियोलॉजी जैसे कि, और मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, काफ़ी सारी पोस्ट निकली थी। तो इन पोस्ट का जो है, जो कॉमन पेपर का सिलेबस है वो सबका सेम है, तो उसी सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे कि क्या क्या होता है इसमें। जो है बच्चों को कई सारे डाउट बने हुए हैं, जैसे मैंने भी एक दो वीडियो उस पर यूट्यूब पे देखी है कि इसमें बताया हुआ है कि दो टीयर में एग्ज़ाम होगा, Tier 1 में और Tier 2 में, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 2014 का जो है आपका पैटर्न है कि जब दो टीयर में एग्ज़ाम होता था, लेकिन 2020 में जो है, देखिए 2020 में यहाँ नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है जो PGT की पोस्ट है उनके लिए जो Tier 2 है वो ये डिस्क्रिप्टिव वाला जो पोर्शन है वो नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है, NA लिखा हुआ है इसमें। तो जो एग्ज़ाम है DSSB PGT का वो जो है एक ही टीयर में होगा, उस एक ही टीयर में मतलब एक ही दिन एक पेपर होगा जिसमें दो सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। 2014 तक जो है ये दो दो में आपको मिलता था, दो पोर्शन में, जिसमें एक में कॉमन पेपर आता था और एक में जो है आपका सब्जेक्ट रिलेटेड आता था। ये 2014 तक का एग्ज़ाम पैटर्न है और 2020 में जो है आपका एक ही टीयर में PGT का एग्ज़ाम होगा, उसी के अंदर आपको दो सेक्शन मिलेंगे। सेक्शन ए हर एक सब्जेक्ट के लिए, आप किसी भी सब्जेक्ट से PGT दे रहे हैं, जैसे कि PGT सोशियोलॉजी दे रहे हैं या मैथ्स देख रहे हैं या इंग्लिश दे रहे हैं या हिंदी दे रहे हैं, उर्दू दे रहे हैं, संस्कृत दे रहे हैं, सबका जो है सेक्शन ए सेम है, क्वेश्चन का लेवल भी सेम है। तो लास्ट ईयर जो पेपर हुए थे वो कुछ तो ऑनलाइन हुए थे और कुछ पेपर जो है ऑफलाइन हुए थे। जैसे PGT मैथ्स की बात करूँ तो PGT मैथ्स जो है ऑनलाइन हुआ था और PGT सोशियोलॉजी जैसे वो ऑफलाइन हुआ था। तो इस बार क्या है, इस बार भी अभी भी नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं ये लिखा हुआ है कि आपका पेपर ऑनलाइन मोड में होगा या ऑफलाइन मोड में होगा। तो जिस टाइम एग्ज़ाम की डेट आएगी, वैसे तो ये तभी पता चलेगा, लेकिन मतलब 99% संभावना ये है कि पेपर जो है ऑनलाइन मोड में, सारे इस बार ऑनलाइन मोड में हो सकते हैं, क्योंकि 2019 में जितने भी पेपर हुए हैं, PRT तक का पेपर हुआ है, PRT के जो पेपर हुए हैं वो सब ऑनलाइन मोड में हुए हैं। तो आगे DSSB के जितने भी पेपर होंगे वो ऑनलाइन में मोड में होंगे, तो उसके लिए भी आपको टाइम मैनेजमेंट सीख के चलना है हर एक बच्चे के लिए, चाहे उसने 2018 में ऑफलाइन में दिया है, लेकिन उसको ऑनलाइन का भी पता होना चाहिए। तो उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराता है DSSB, तो आप लोग वो देख सकते हैं। अब जो ये टाइम है इसका 3 घंटे है, मतलब आपको 3 घंटे मिलेंगे। अब आगे चलते हैं, आगे इसमें सेक्शन ए में हम देख लेते हैं कि सेक्शन ए में क्या क्या आता है। सेक्शन ए जो है सभी के लिए मैं बता चुकी हूँ कि कॉमन है और इसमें 100 नंबर का जो है सेक्शन ए है, तो 100 नंबर का सेक्शन है, 100 ही इसमें क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है। अब इसमें 100 नंबर को 5 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, जैसे पहला है इसमें क्या है, इसमें मेंटल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, फिर है जीके के अंदर आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, फिर जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स के, जनरल मैथ्स के जो है आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक बच्चे को मिलेंगे PGT का जो भी एग्ज़ाम देगा। फिर 20 क्वेश्चन आपको जनरल हिंदी के मिलेंगे और कॉम्प्रिहेंशन मतलब जो पैराग्राफ देते हैं, पैराग्राफ में से 4 या 5 क्वेश्चन आपको छाटने होते हैं, और 20 क्वेश्चन जो है आपको इंग्लिश लैंग्वेज के मिलेंगे। ये जो है नोटिफिकेशन में से हमने ये सिलेबस उठाया है, पैटर्न उठाया है। तो इसमें जो है जैसे जनरल अवेयरनेस में आपको देख सकते हैं, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, आर्ट्स एंड कल्चर, स्पोर्ट्स वगैरह ये सब दिए हुए हैं। अब DSSB ने इन्होंने क्या किया हुआ है कि ये जो सेक्शन ए है इनका तो सिलेबस दे दिया एक तरीके से कि आपको हिंदी के अंदर ये टॉपिक मिलेंगे, इंग्लिश के अंदर ये टॉपिक मिलेंगे, मैथ्स के अंदर ये टॉपिक मिलेंगे, लेकिन सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं दिया हुआ है। तो बच्चे पूछते रहते हैं कि भाई सब्जेक्ट का आप सिलेबस दीजिए, तो सब्जेक्ट का कोई सिलेबस नहीं होता असल में। सब्जेक्ट का तो 1-2 पेपर हैं लास्ट ईयर के 2018 के,
तो आपको जो वो प्रीवियस पेपर हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, उन्हीं को आपको जो वो एक दो पेपर हैं उन्हीं में से आप देखिए कि कितना जो है आपका, जैसे पीजीटी का पेपर है तो कितना 12th लेवल का आया हुआ है उसमें, कितना आपका ग्रेजुएशन लेवल का हुआ है, अपने अपने सब्जेक्ट का देख लीजिए। जैसे मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में 12th लेवल के काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं 11th 12th के NCERT में से। तो आप अपने अपने हिसाब से देखिए, जैसे हिंदी, आप हिंदी का देने जा रहे हैं तो आप देखिए, एनालिसिस कीजिए, क्योंकि आपने हिंदी पढ़ी हुई होगी अपनी ग्रेजुएशन में और आपने हिंदी पढ़ी होगी अपनी 12th लेवल पे। तो जब आप वो पेपर देखेंगे तो आपको पेपर का देख के पता चल जाएगा कि भाई इसमें 60% 12th लेवल का आया हुआ है मेरे सब्जेक्ट में और 20% ग्रेजुएशन का आया हुआ है, 20% PG का आया हुआ है। तो ये आपको अपने आप निकालना पड़ेगा कि क्या टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है और क्या कम इम्पोर्टेंट लग रहा है। अब आगे चलते हैं, सेक्शन सेकंड में मैंने यही बताया कि यही MCQ आते हैं इसमें, कितने, इसमें 200 क्वेश्चन आएंगे MCQ के, ठीक है, और 200 ही मार्क्स होंगे उसमें। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4 की। अब जो भी आपको पेपर मिलेगा, ये नहीं कि मान लो 3 घंटे आपको मिल रहे हैं तो ये नहीं है कि 1 घंटा आपको सेक्शन ए के लिए मिलेगा, 2 घंटे, वो पूरा का पूरा पेपर जो है आपको, और पूरा का पूरा टाइम पूरे पेपर के लिए मिलेगा। 300 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे मिलेंगे, मतलब एक साथ। इसमें ये नहीं है कि सेक्शन ए के लिए कुछ सेपरेट टाइम मिल रहा है और सेक्शन बी के लिए सेपरेट टाइम मिल रहा है। आगे क्या है, आगे क्वालिफाइंग क्राइटेरिया देख लेते हैं। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि जैसे इसमें बच्चों को क्या डाउट रहता है कि सेक्शन ए को और सेक्शन बी को हमें अलग अलग क्वालिफाई करना है या हमें एक साथ कंबाइंड रूप से क्वालिफाई करना है। तो इसमें क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो जनरल के लिए है वो 40% है, OBC के लिए 35% है और SC ST के लिए 30% है। मतलब जनरल का बच्चा जो है वो जब 300 नंबर में से 120 नंबर लेके आएगा तो तब उसको क्वालिफाइंग माना जाएगा कि उसने पेपर क्वालिफाई कर लिया, तब उसके लिए मेरिट, मतलब वो मेरिट में काउंट होगा। ऐसे ही जो OBC का बच्चा है जब वो 300 में से 105 नंबर ले आएगा तो क्वालिफाइंग माना जाएगा। SC ST के बच्चे जो है 90 पे क्वालिफाइंग माने जाएंगे। ये जो है आपको दोनों सेक्शन को मिला के इतने नंबर लाने हैं, मतलब 300 में से, पूरे 300 में से 120 तो कम से कम लाने ही हैं। अब जैसे कुछ, जैसे TGT के जो एग्ज़ाम है उनमें क्या होता है कि सेक्शन ए को आपको अलग क्वालिफाई करना होता है। TGT का एग्ज़ाम 200 नंबर का होता है तो सेक्शन ए 100 नंबर का होता है, सेक्शन बी भी 100 नंबर का होता है, तो आपको सेपरेट सेक्शन ए में 40 नंबर लाएंगे आप और सेक्शन बी में 40 नंबर लाएंगे तब आप क्वालिफाइंग माने जाएंगे। मतलब यदि आप सेक्शन ए में TGT में 30 नंबर ले आते हैं और सेक्शन बी में 50 नंबर ले आते हैं तो आप क्वालिफाइंग नहीं है उसमें। लेकिन इसमें क्वालिफाई है कि यदि आप सेक्शन ए में बाई चांस आपके नंबर जो हैं 100 में से 30 रह जाते हैं लेकिन सेक्शन बी में आप जो हैं 300 में से जैसे आप 100 ले आए या 300 में से 120 ले आए और सेक्शन ए में केवल आप 30 नंबर लाए हैं, 40 नहीं ला पाए, तो भी आप क्वालिफाई हैं PGT के लिए। क्योंकि देख रहे कि 87 से लेके 92 तक का जो पोस्ट कोड है उसमें आपको सेपरेटली वर्ड लिखा हुआ है इसके लिए कि सेपरेटली आपको जो है सेक्शन ए और सेक्शन बी को क्वालिफाई करना है। अब 87 से लेके 92 तक के पोस्ट कोड देख लेते हैं हम। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है, एक तो इसमें फिजिकल एजुकेशन है जिसका ग्रेड पे 4600 है, मतलब ये TGT के रैंक में आएगा, ठीक है। डोमेस्टिक साइंस टीचर हैं, ये भी इसका भी ग्रेड पे 4600 है, तो मतलब ये TGT हैं। और म्यूजिक टीचर है, ड्राइंग टीचर है, TGT कंप्यूटर साइंस है। TGT कंप्यूटर साइंस के लिए भी सेक्शन ए आपको अलग क्वालिफाइंग करना पड़ेगा और सेक्शन बी अलग क्वालिफाइंग करना पड़ेगा। तो ये जो है ये सब के सब जो है TGT हैं जिनके लिए आपको सेपरेट जो है आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी अलग अलग क्वालिफाई करना है। तो मुझे लगता है कि अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि जो PGT है उसके लिए आपको कंबाइंड रूप से 40% 35% और 30% लाने हैं और जो TGT है उसके लिए आपको जो है सेपरेट सेक्शन ए और सेक्शन बी में अलग अलग 40% 35% और 30% नंबर लाने हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए रीजनिंग देखते हैं हम। यदि आप रीजनिंग के प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे तो आप देखेंगे PGT के लगभग सब में सेम पैटर्न फॉलो किया हुआ है। जैसे किसी में जैसे PGT सोशियोलॉजी की बात करें उसमें एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको PGT मैथ्स में, PGT फिजिक्स में, मतलब ऑनलाइन का लगभग सेम है और जो ऑफलाइन का है एग्ज़ाम पैटर्न रीजनिंग का बिल्कुल लगभग सेम है। मतलब क्वेश्चन का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो लगभग सेम है,
बस उसकी जो वर्डिंग्स हैं वो थोड़ी अलग कर दी गई हैं। तो रीजनिंग की अगर बात करें, यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर 10 12 15 सॉल्व कर लेते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के उठा के सॉल्व कर लिया आपने, तो आप देखेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि मतलब क्या आने वाला है पेपर में, सब आपको लगभग एक जैसा मिलेगा। उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर पेपर निकालेंगे, उसके बाद आपका जो भी आपको लगता है कि भाई मेरा ये सीटिंग अरेंजमेंट मान लो मेरा कमज़ोर है या मेरा डायरेक्शन वाला क्वेश्चन कमज़ोर है, तो आप कोई भी बुक लीजिए रीजनिंग की, जैसे मैंने बताई हुई है कि राकेश यादव की रीजनिंग की बुक ले लीजिए, या कोई भी ले लीजिए, मतलब जो भी पढ़ने वाला बच्चा होता है उसके पास कोई ना कोई बुक होती है रीजनिंग की, कोई ना कोई एग्ज़ाम वो पहले दिया होता है। तो आप जो है उसमें से अपना चैप्टर जो है तैयार कर लीजिए, वो ही जो आपका कमज़ोर है। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को लगा के देख लेंगे कि मेरा ये पोर्शन कमज़ोर है, तो उसी को आप जो है सोल्व कर लीजिए। और अगर आपको ख़रीदनी है तो आप रीजनिंग की जो है राकेश यादव का के क्लास नोट्स खरीद सकते हैं, तो इसमें काफ़ी मतलब शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह अच्छे से समझाई गई हैं। अब रीजनिंग में आप जो है, अगर आप थोड़े से भी मतलब आपने पहले कोई एग्ज़ाम दिया है, तो 17 से 18 नंबर जो है, अगर आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट आता है, आप ये जानते हैं कि क्या क्वेश्चन हमें, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है वो स्किप कर देना चाहिए, या जिसमें ज़्यादा स्टेटमेंट होती है कोई बड़ा क्वेश्चन है उसको रीजनिंग में स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है एग्ज़ाम में बैठने के पास बाद हमारे पास टाइम की कमी होती है। तो अगर आपको ये पता है कि जैसे 20 क्वेश्चन है उसमें से एक आध कौन सा हमें स्किप करना है जो हमारा सारा टाइम ले जाएगा, तो आप रीजनिंग में आसानी से 17 से 18 क्वेश्चन जो है पढ़ने के बाद जो है, अगर आप अभी भी आपको लगता है कि रीजनिंग कमज़ोर है आपकी, लेकिन अभी भी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 17 से 18 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए रीजनिंग के, आप बहुत ईजीली जो है गेन कर सकते हो, खाली प्रीवियस ईयर पेपर करके ही गेन कर सकते हो। आगे चलते हैं, आगे मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स जो है, जो बच्चे जैसे एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं या कोई बैंक की तैयारी कर रहा है और साथ में वो जो है टीचिंग फील्ड से भी जुड़ा हुआ है, तो उसको मैथ्स आसान लगती है, मतलब ठीक लगती है उसको, लेकिन काफ़ी बच्चे मैंने देखे हैं जिनको मैथ्स काफ़ी टफ लगती है। जैसे मान लो किसी का पीजी में सब्जेक्ट इंग्लिश रहा है, तो उसने 10th तक मैथ पढ़ी होगी, तो वो मैथ के टच में नहीं रहता। तो बच्चे मतलब मैथ्स में बहुत से बच्चे काफ़ी अच्छे होते हैं, और ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी वीक होते हैं। तो दोनों जो है थोड़ा अलग अलग पैटर्न फॉलो करें। जो अगर बच्चा काफ़ी वीक है, मतलब इसमें भी पीजीटी में 5 6 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं कि वीक से वीक बच्चा, मतलब जैसे सीधा फॉर्मूला तो लगाना सभी बच्चों से आता ही है कि आप फॉर्मूला, जैसे सिंपल इंटरेस्ट का सीधा फॉर्मूला लगा दिया, या सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, बोर्ड मार्क्स सबको आता ही है लगभग, तो इतना तो हर बच्चा कर लेगा। तो इस तरह के भी पूरे जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, 5 6 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसको हर एक बच्चा अटेम्प्ट कर लेता है, लेकिन हमें तो जो है मतलब दूसरों से कुछ आगे चलना है, उसके लिए तैयार होना है। तो यदि आप 5 6 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब मैथ्स में वीक हैं थोड़ा, तो यदि आप अभी से थोड़ी तैयारी करना शुरू करें, जैसे आप राकेश यादव के क्लास नोट्स ले लीजिए, तो उसमें जो है आप क्या करेंगे, इसमें जो है शॉर्ट ट्रिक्स दी हुई हैं, तो आप वो शॉर्ट ट्रिक्स समझना शुरू कीजिए, जो आपसे आता है उससे आगे थोड़ा आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम होने में थोड़ा टाइम है। उसके बाद यहाँ से राकेश यादव से लगाने के बाद जो है आप कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिए, जैसे ये मैंने एस चांद की लिखी हुई है, आर एस अग्रवाल की, तो ये वाले ले लीजिए, तो इससे आप फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए अपनी, या राकेश यादव की भी आती है ऑब्जेक्टिव की बुक, वो ले लीजिए। तो इससे, और जो एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं उनके लिए एसएससी लेवल का ही मतलब पीजीटी में मैथ्स आता है लगभग लगभग, और जो डीआई के क्वेश्चन भी आते हैं वो भी काफ़ी टिपिकल आते हैं, मतलब ठीक आते हैं, उनका लेवल अच्छा होता है। कुल मिला के मैथ्स का लेवल जो है पीजीटी में अच्छा होता है, ऑनलाइन एग्जाम में तो मैथ्स का लेवल अच्छा ही है लगभग सब में, ऑफलाइन में कुछ पेपर में मतलब बहुत सिंपल मैथ्स हुई है कि 10 12 क्वेश्चन तो बच्चा ऐसे ही आराम से निकाल लेगा जिसको थोड़ी बेसिक समझ है, जो पहले 2018 में पेपर हुए थे। तो आप जो है, जो एसएससी के बच्चे हैं वो तो 17 से 18, मतलब किसी भी एग्ज़ाम की जो बैंक वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो भी हैं, वो 17 से 18 बच्चे लगभग नंबर गेन कर लेंगे, लेकिन जो थोड़े वीक हैं वो अगर अभी से ये तैयारी करें और ये बुक फॉलो करना शुरू करें, तो वो भी 14 15 तक जो है आसानी से पहुँच जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर जो है आप ज़रूर सॉल्व करें, वहीं से आपको पता चलेगा आखिर आपको पढ़ना क्या है। आगे चलते हैं जीके। अब जीके भी जैसे किसी कोई भी मतलब DEESSB का अगर PGT का कोई बच्चा है, तो उसका अपने सब्जेक्ट में पकड़ रहेगी, बाकी सब्जेक्ट उसका थोड़ा सा मतलब डाउन रहेगा,
क्योंकि अपने सब्जेक्ट में ही बच्चा काफ़ी टाइम दे देता है। तो ऐसे जीके में सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर देखे, जीके का जो सिलेबस है वो बहुत वाइड है। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर देखने के बाद आपकी आपको पता चलेगा कि क्या क्या आता है, कि भाई पॉलिटी भी आती है, पॉलिटी से 3 या 4 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। पॉलिटी तैयार कर लीजिए, जैसे कि अनुच्छेद हुए या फिर मूल अधिकार हुए, नीति निर्देशक तत्व हुए। पॉलिटी में भी 4-5 टॉपिक है गिने चुने, जिनको आप कर लेंगे तो आप 2 से 3 से 4 नंबर जो है, 3 क्वेश्चन आते ही हैं लगभग, वो निकाल लेंगे। फिर पॉलिटी के बाद करंट अफेयर्स पे आप ध्यान दीजिए। करंट अफेयर्स के भी 20 में से जो है 4-5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे। करंट अफेयर स्पोर्ट्स हुआ, जैसे रैंक हुआ, अवार्ड हुए, या इंटरनेशनल न्यूज़ पे जो है कुछ क्वेश्चन हुए, वो जो है आप पॉलिटी के, सॉरी करंट अफेयर्स के कीजिए। उसके बाद करंट अफेयर्स कहाँ से फॉलो करें, जैसे ऐप होती हैं बहुत सारी, वो आप कोई भी एक ऐप फॉलो कर लीजिए, उससे डेली का 10-10 क्वेश्चन आते हैं, वो आप डेली के लगाने शुरू कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप ल्यूशेंट की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बुक ले सकते हैं। ल्यूशेंट की एक तो सब्जेक्टिव बुक आती है, उसमें थ्योरी थ्योरी दी होती है, एक ऑब्जेक्टिव आती है, क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव में आता है तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाने बहुत ज़रूरी है। या प्ले स्टोर से ल्यूशेंट की एक ऑडियो बुक भी आती है, मतलब आपको ऑडियो की फॉर्म में पूरी ल्यूसेंट बुक मिलेगी, आप वो डाउनलोड करके उससे भी ल्यूसेंट कवर कर सकते हैं। ल्यूसेंट अगर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ आपका जीके में जो है बेस बन जाएगा। और स्टेटिक जीके भी इसमें आती है, जैसे डांस आ गए, त्यौहार आ गए, तो स्टेटिक जीके पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। आगे चलते हैं, आगे जनरल हिंदी। हिंदी जैसे कि जो भी इसको DSSB को फॉर्म का फॉर्म भरता है, मतलब ये दिल्ली NCR के बच्चे लगभग इसका ज़्यादा फॉर्म भरते हैं, तो हम सभी जो हैं हिंदी भाषी क्षेत्र से बने हुए बच्चे हैं, तो हम जो हैं 20 में से 17-18 क्वेश्चन, अगर थोड़ा सा ध्यान दें हिंदी पे, मतलब 17 से 18 नंबर इजीली कर लेते हैं। और ये बहुत टाइम सेविंग भी है, मतलब बहुत जल्दी से हिंदी का क्वेश्चन, हिंदी वाला पार्ट निमट जाता है। तो आप जो है, मतलब ये आदित्य पब्लिकेशन की आती है सामान्य हिंदी की बुक, ये बहुत अच्छी है, मतलब इसमें से लगभग मिल जाते हैं, जो भी DSSB की के सिलेबस में हिंदी के क्वेश्चन है वो इसमें से कवर हो जाते हैं। अगर इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे कि आप 17 से 18 क्वेश्चन ईजिली निकाल लेंगे। आगे चलते हैं जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश के लिए आप नीतू सिंह की जो है इंग्लिश ग्रामर का वॉल्यूम फर्स्ट ले लीजिए, साथ में प्रीवियस ईयर पेपर कीजिए। इसमें भी कॉम्प्रिहेंशन आता है, एक तो वही 5 नंबर आते हैं, मतलब आपको पैराग्राफ दे देंगे, 5-5 क्वेश्चन उस पर भेज दे देंगे। उसके बाद वो कैब आती है, वो कैब भी जो है मैंने देखा है काफ़ी पेपर्स में जो है रिपीट होती है, मतलब वही एक ही जो है सिनोनियम है या एंटोनियम, वो काफ़ी सारे पेपर में घूम रहा है। तो आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर का वो कैप तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारा चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, हम जो है प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज चला रहे हैं, उसमें जो है आप टॉपिक वाइज हर एक चीज़ें कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो वैसे तो आपको सब कुछ अपनी सेल्फ स्टडी से करना है, बाकी जो जो भी यूट्यूब है या जो भी आपका दूसरा मीडियम है, वो आपको एक तरीके से बेस बताने के लिए होता है कि हाँ ऐसा आ रहा है, लेकिन तैयारी आपको खुद से सेल्फ स्टडी से बुक से करनी होती है। मतलब अगर आपको, मतलब जैसे कि 75% 75+ या 80+ नंबर चाहिए, तो एक तरीके से यूट्यूब चैनल वगैरह जो भी है, मतलब हम भी चला रहे हैं चलो यूट्यूब चैनल, लेकिन आपको एक बेस बताने के लिए ये सब चीज़ें होती हैं। बाकी आप जब तक बुक्स उठा के खुद से तैयारी नहीं करेंगे, तब तक मतलब काफ़ी मुश्किल होगा आपके लिए। तो चलिए आगे क्या है, आगे जो है ये जो आप जो भी बुक्स मैंने बताई हैं, इनकी PDF जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, और उसके लिए आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे चलते हैं, आगे सब्जेक्ट रिलेटेड पोर्शन देखते हैं। सब्जेक्ट रिलेटेड पोर्शन में वही मैंने बताया, पीछे बता के बताया मैंने कि सिलेबस नहीं होता इसका, तो सिलेबस नहीं होता तो सिलेबस कैसे निकालें, वही एग्ज़ाम जो है आप पिछले प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, वहाँ से एनालिसिस खुद से कीजिए अपने सब्जेक्ट के वाइज, क्योंकि आप पढ़े हुए होंगे कि आपने क्या क्या, कितना पोर्शन क्या क्या ग्रेजुएशन में 12th में किया है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर कीजिए। बाकी 9 to 12 जो है NCERT बुक, आपको पता है कि दिल्ली के स्कूल्स में NCERT बुक्स लगती हैं, तो उन्हें ही पढ़ाने के लिए आपको बुलाया जा रहा है, तो मतलब वो तो आपकी तैयार होनी चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। अब पेपर MCQ फॉर्म में आता है, तो MCQ फॉर्म में ही जब पेपर आएगा तो आपको प्रैक्टिस MCQ फॉर्म से करनी है, मतलब NCERT की बुक्स आपको पढ़ने के बाद जो है NCERT की MCQ बुक्स जो है आपको मार्केट में मिल जाएंगी, तो आप वो ले लीजिए।
और उससे आप क्वेश्चन लगाइए कि आप कितना प्रिपेयर हो चुके हैं एग्जाम देने के लिए, ठीक है। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड आता है। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, वैसे तो इन्होंने ये डिफाइन नहीं किया हुआ है कि कितने क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के आएंगे, लेकिन 2018 के अगर हम पेपर देखें तो PGT में 20 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसके आधार पर ही हम कह सकते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो है आपका 20 क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें से जो है, एक तो आप अगर आपने BEd रेगुलर किया है तो आप इजीली 8-10-12 क्वेश्चन जो है 20 में से ऐसे ही कर लेंगे, मतलब सिंपल जनरल चीज़ों पे बेस क्वेश्चन आते हैं। फिर आपने CTET UPTET जो है, अगर उसकी, क्योंकि आप PGT के एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ऑब्वियसली आपने टेट वगैरह क्वालिफाई किया होगा, तो आपको उसका भी पता होगा कि उसमें क्या क्या सिलेबस होता है। तो आप जो है, मतलब आपको इसमें जब एग्ज़ाम में जाएं तो आपको मोटी मोटी सी चीज़ देख के जानी है कि भाई ये जो है ये सिद्धांत आया था, ये फलाने चीज़ आई थी, या जो भी पेडागोजी से रिलेटेड बेसिक चीज़ें हैं वो आपको एग्ज़ाम के टाइम पर देख कर जानी है। इसका इतना वाइड, जैसे PRT है, आप BSSB PRT दे रहे हैं, उसमें तो 100 क्वेश्चन ही पेडागोजी के हैं। तो एक पेडागोजी आपको बैठ के अच्छे से तैयार करनी है, कुछ किताबें पढ़नी है, टाइम देना है। लो तो इसमें इतना इतना बहुत ज़्यादा टाइम आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें भी 10-12 प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन लगा लीजिए आप, तो आपको इसका आधार पता चल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आगे आपको जो है हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप जो है हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपकी और भी, मतलब आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।